यूं तो हमारे भारत देश का प्रत्येक राज्य अपने आप में अतुलनीय है। किसी प्रदेश में पहाड़ है तो किसी प्रदेश में समुद्र, तो कहीं मंत्रमुग्ध करते झरने और जंगल, और कहीं विशाल रेगिस्तान। हर प्रदेश में कुछ न कुछ मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्यता का भंडार है। इन्हीं प्रदेशों में से एक निराला प्रदेश है हमारा झारखंड, जहां एक ओर विशालकाय पहाड़ और उन पहाड़ों से बहते हुए मनमोहक झरने हैं, तो एक ओर निर्मल जलाशय। और हाँ, यहाँ के घने जंगल, जिसका जिक्र किए बिना झारखंड की व्याख्या ही अधूरी है। ये ऑक्सीजन की बड़ी सी फैक्ट्री है जंगल, यही तो शान है झारखंड की। झारखंड की राजधानी रांची से दक्षिण पश्चिम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 से मात्र 90 किलोमीटर की दूरी पर बसा है हमारा प्यारा शहर गुमला। अडिग पहाड़ों से घिरा, जिससे निकलती कर्णप्रिय कोयल और शंख नदी अपने बाहों में घेरे झारखंड की सबसे सुंदर जनपद गुमला को सुशोभित करती है। प्राकृतिक सौंदर्य से लबालब भरा हुआ हमारा गुमला शहर भारत देश पर मर मिटने वाले जत्रा भगत और अल्बर्ट एक्का जैसे वीर महापुरुष दिए हैं, जिनका नाम भारत के इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है। तो आइए हम अपने शहर गुमला के इतिहास से रूबरू होते हैं। आज जहां हम सभी लेजर शो का आनंद ले रहे हैं, भारत देश का पार्कों में से एक, जहां शुद्ध वातावरण से परिपूर्ण और बच्चों के लिए मनोरंजन से भरा बिरसा एग्रो पार्क है। यहां पर एक्वेरियम, लेक, म्यूजिकल फाउंटेन, लेजर शो, ओपन जिम का भी आनंद आप ले सकते हैं। गुमला से 18 किलोमीटर की दूरी पर बसता है अंजन गांव। कहा जाता है यहां पवन पुत्र हनुमान जी के माता अंजनी का जन्म हुआ था। कुछ मान्यताओं के अनुसार यहां महाबली महाज्ञानी हनुमान जी का जन्म हुआ था। यहां पर स्थित अंजनी गुफा में माता अंजनी के गोद में बाल हनुमान का दर्शन करने श्रद्धालु झारखंड के साथ साथ अनेक राज्यों से भी आते हैं। ऐतिहासिक और प्राकृतिक सौंदर्य को अपने आप में समेटे हुए रांची गुमला मार्ग पर बसा हुआ सिसई में ऐतिहासिक नागवंशी राजाओं का शहर नवरत्नगढ़ विश्व धरोहर के पन्नों पर अंकित है। डोडसागढ़, रानी लुकाई, कमल सरोवर, कपिलनाथ मंदिर, भैरवनाथ मंदिर हमेशा से पर्यटकों को अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता रहा है। आस्था का प्रतीक 8वीं सदी में निर्मित टांगी नाथ मंदिर, जहां पर स्थानीय लोगों की मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम ने अपनी माता की हत्या के प्रायश्चित के लिए एक लौह त्रिशूल यहां गाड़ा था, आज भी इस त्रिशूल में ना ही कोई जंग लगी है और ना ही इसके आकार में कोई बदलाव आया है। इस मंदिर के पुरोहित पूजा अनुष्ठान में छोटा नागपुरी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। भगवान शिव के भक्तों के लिए यहाँ हर साल शिवरात्रि और सावन में मेला लगता है। हजारों की संख्या में भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु इस पवित्र स्थल पर आते हैं। विश्व विख्यात टाना भगत आंदोलन की शुरुआत गुमला के महापुरुष जत्रा भगत ने बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेते हुए सन 1912 से 1914 के बीच ये आंदोलन छेड़ते हुए सामंतवादी अंग्रेजी सरकार के द्वारा लगाए गए लगान और स्थानीय जमींदारों द्वारा अत्यधिक टैक्स के विरोध में कूली के रूप में काम करने से मना कर दिया था। जत्रा भगत ने विभिन्न आदिवासी समुदाय जैसे भगत, मुंडा, ओराम, इनको एक सूत्र में पिरोकर उन्हें हर सामाजिक बुराई से संघर्ष करने की प्रेरणा दी। कहा जाता है कि हमारे देश के बापू ने जत्रा भगत के टाना भगत आंदोलन से प्रेरणा लेते हुए सन 1942 में अहिंसावादी नीतियों को अपनाते हुए भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखी थी। उनके आदर्शों में से
एक, जमीन और जीवन की रक्षा करना हर आदिवासी का सर्वप्रथम कर्तव्य है। तो आइए हम भी इनके आदर्शों और प्रेरणा को ग्रहण करते हैं और इस वीर पुत्र को बारंबार शत शत नमन करते हैं।